नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंटिंग चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिल ऑफ एंट्री कितने प्रकार की होती है। और दोस्तों, बिल ऑफ एंट्री क्या होती है इस पर हमने पहले वीडियो बना दिया था और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। अगर आप बिल ऑफ एंट्री के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे बिल ऑफ एंट्री कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, बिल ऑफ एंट्री तीन प्रकार की फाइल होती है। पहला है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन, इसको हम व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री भी कहते हैं। दूसरा है बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउस, इसको इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री भी कहते हैं, या इसको येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री भी कहते हैं। और तीसरा है बिल ऑफ एंट्री फॉर एक्स बॉन्ड, इसको हम अपनी भाषा में आउट ऑफ बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री भी कह सकते हैं, इसको ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री भी कहते हैं। अब दोस्तों, इन तीनों बिल ऑफ एंट्रियों को हम डिटेल में समझते हैं कि ये तीन बिल ऑफ एंट्री कब फाइल होती है, किस लिए फाइल होती है और हम इन तीनों बिल ऑफ एंट्री को क्यों फाइल करते हैं। अब इसकी डिटेल मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ। पहले हम समझते हैं बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन। होम कंजप्शन बिल ऑफ एंट्री का मतलब हम समझते हैं। दोस्तों, आप जो भी गुड्स इंपोर्ट करते हो, जब आपका गुड्स पोर्ट पे आपके आ रहा होता है तो आप डिसाइड करते हैं कि उस गुड्स को, उस माल को हमें कस्टम क्लियरेंस के बाद आपके गोडाउन में, आपके प्लॉट में मंगाना है, आपके गोडाउन में ले आना है। तो अगर आपको कस्टम क्लियरेंस के बाद ड्यूटी पेमेंट करके आपको उस माल की डिलीवरी अपने गोडाउन में, अपने प्लॉट में चाहिए, तो आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे। होम कंजप्शन बिल ऑफ एंट्री के सामने आप कस्टम ड्यूटी पेमेंट करेंगे और आपका माल आपके प्लॉट में, आपके गोडाउन में आएगा, उस टाइम हम होम कंजप्शन फाइल कर देते हैं। अब मान लीजिए आपका जो गुड्स आपके पोर्ट पे आ रहा है, आप चाहते हो कि अभी इसकी डिलीवरी हमें नहीं चाहिए, अभी हमें इस माल को कुछ दिन के बाद अपने प्लॉट में या अपने गोडाउन में मंगाना है। इसका कोई भी रीजन हो सकता है, मान लीजिए आपके पास इस माल का ऑलरेडी बहुत सारा स्टॉक है, या मान लीजिए आपके गोडाउन में, आपकी फैक्ट्री में स्पेस नहीं है, या मान लीजिए आपको कस्टम ड्यूटी पेमेंट करने के लिए कुछ पेमेंट का इशू आ रहा हो, तो आप चाहते हो कि इस माल को अभी हमें तुरंत इसकी कस्टम ड्यूटी नहीं पेमेंट करना है और इसकी कस्टम ड्यूटी हम बाद में पेमेंट करेंगे और इस माल की डिलीवरी हम कस्टम ऑफिस से बाद में लेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आप फाइल करते हैं वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउस, इसको हम इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री कहते हैं। दोस्तों, जब आपकी वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है ना, इसमें आपको कस्टम ड्यूटी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इस बिल ऑफ एंट्री पे आपका कस्टम ड्यूटी पेमेंट नहीं होगा और वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री पे आपका माल भी डिलीवर्ड नहीं होगा, आपके पास आपका माल भी नहीं आएगा। यह गुड्स, यह माल कस्टम डिपार्टमेंट के अंडर कस्टम वेयर हाउस में रखा जाएगा। कस्टम बॉन्ड होता है, कस्टम बॉन्ड में यह माल आपका रखा जाएगा, और प्राइवेट बॉन्ड भी होते हैं जो कि कस्टम डिपार्टमेंट से परमिशन लेके बने होते हैं। ये गुड्स जो है कस्टम डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी होगी। इस गुड्स का एक भी पीस आप इधर से उधर नहीं कर सकते जब तक कि आप कस्टम ड्यूटी नहीं पेमेंट करेंगे। इस माल पे आपका अधिकार नहीं होगा, ये पूरा अधिकार इस पे कस्टम डिपार्टमेंट का होगा और यह माल कस्टम वेयर हाउस में रखा जाएगा। इसको हम बोलते हैं इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री। ओके, अब समझ गए होम कंजप्शन और वेयर हाउस। अब हम जानते हैं फॉर एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। दोस्तों, जो माल आपने वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री फाइल करके कस्टम बॉन्ड में रखा था, अब एक महीने बाद, दो महीने बाद या तीन महीने बाद जब भी आपको जरूरत पड़ी, आप चाहते हैं कि अब उस माल की डिलीवरी हमें चाहिए, उस माल की हमें जरूरत है, तो दोस्तों उसके लिए आपको एक बिल ऑफ एंट्री और फाइल करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री जो आपकी वेयर हाउस की बिल ऑफ एंट्री है, इसके सामने ही आपकी एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी और
एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री में सारी डिटेल वही होगा जो आपके वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री में है, जो भी असेसमेंट हुआ होगा ड्यूटी वही असेसमेंट ड्यूटी आपके एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री में भी आएगी, सारी क्वांटिटी इनवॉइस वैल्यू सब कुछ वही रहेगा वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री वाली। और इसमें क्या है आपका वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री नंबर भी लिखा होगा और इसके सामने आपने जो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री नंबर फाइल कर रहे हो एक अलग से नया बिल ऑफ एंट्री नंबर आ जाएगा आपका एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, और इस एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री के सामने आपको कस्टम ड्यूटी पेमेंट करना होगा। कस्टम ड्यूटी आपने 3 महीने बाद माल डिलीवरी ले रहे हैं ड्यूटी पेमेंट कर रहे हैं, जो भी कस्टम ड्यूटी का इंटरेस्ट लगता है वो इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट से आपको पेमेंट करना होगा। और आपको पेमेंट करने के बाद आपका माल जो है कस्टम वेयर हाउस से बाहर हो जाएगा, आपका माल आपके प्लॉट में आपके गोडाउन में आ सकता है, इसको हम बोलते हैं एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। इसीलिए हम इसको यहाँ बता दिए इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, आपने कस्टम वेयर हाउस में गुड्स को रखा इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल हो गई, और जब आप इस माल को बाहर निकाल रहे हैं तो आपका एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल होता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं आउट ऑफ बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री समझने के लिए। ओके, तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इन तीनों बिल ऑफ एंट्रियों का मतलब, होम कंजेशन बिल ऑफ एंट्री कब फाइल होगी, वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री कब फाइल होगी, और एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री कब फाइल होगी। ये बिल ऑफ एंट्री आप पे डिपेंड करता है आपको क्या फाइल करवाना है, आपके ऊपर कोई दबाव या कोई प्रेशर नहीं होता कि आपको ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है, वो कस्टमर के डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, उसको माल की तुरंत डिलीवरी चाहिए तो होम में फाइल कर देगा, और माल को बाद में चाहिए वो बॉन्ड में रखना चाह रहा है कस्टम बॉन्ड में तो वेयर हाउस फाइल कर देगा, और जब उस माल को जरूरत होगी वो माल बाहर निकालना चाहेगा तो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देगा वेयर हाउस के सामने। सिंपल सा ये 3 तरीके की बिल ऑफ एंट्री होती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आप इस वीडियो के बारे में बताना कि ये तीनों बिल ऑफ एंट्री के बारे में आप समझ गए होंगे, होम कंजक्शन वेयर हाउस एंड एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।